हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकी फैमिली ब्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे सभी। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, और ये वीडियो मैंने एक बार बना के डिलीट भी कर दिया है, अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि पहले मैंने बनाई फिर मैंने डिलीट की, मैंने कहा नहीं फिर बेफालतू की चीज़ें लोग बोलेंगे, बेफालतू की कमेंट करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो मेरी वीडियो है ना, ये सारी वीडियो मेरी कमेंट्स के ऊपर ही है, तो आप लोगों के लिए ही थी वीडियो भी, बट मैंने जो है वो पहले बना के डिलीट कर दी। अभी दोबारा से जो है वो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ, दोबारा से इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जी, मैं अपनी बात तो ज़रूर रखूँगी, फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ में पहले कुछ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से जो है आगे बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बातों को समझोगे भी, और बहुत ही ज़रूरी बात है जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो जी मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी कुछ, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे YouTube पे किसी से क्या छिपा है, सभी देखते हैं, हम भी हैं, हम भी YouTube देखते हैं। तो आज कल बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी सी मची हुई है YouTube पे। तो ये अफरा तफरी और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। मैंने तो देखिए, मैं अपनी अगर मैं बात करती हूँ कि मैं ना कभी अपनी कोई भी चीज़, कोई ऐसी पर्सनल बात YouTube पे कभी लेकर के नहीं आई हूँ। और अगर किसी को ऐसा लगा भी है कि मैंने मेरे घर की बात या कोई भी ऐसी चीज़ मैंने YouTube पे शेयर की है, तो मैं उसको भी अभी सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ व्लॉग बनाऊँ, सिर्फ व्लॉग बनाऊँ, कोई पर्सनल बात नहीं, कोई पर्सनल चीज़ ऐसी नहीं जो कि मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए, और मैं वो करूं। बहुत कुछ सीखते हैं हम। और अभी भी मैं सही बताऊँ ना, जो ये सब कुछ YouTube पे भी हाल फिलहाल चल रहा है, उससे भी यही सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने कोई भी पर्सनल रिश्ता, चाहे भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, और या ससुराल से रिलेटेड कोई भी रिश्ता हो, कभी जो है YouTube पे लेकर के नहीं आना चाहिए। हम मानते हैं ये चीज़, हम बोलते हैं जैसे कि फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, तो हमें आपको बताना चाहिए। जी हाँ, फैमिली है, और काफ़ी टाइम से जब हम काम करते हैं तो जुड़ाव हो ही जाता है, पर मुझे फिर भी नहीं लगता कि कोई भी अपनी पर्सनल ऐसी बात जिसको लेकर के जो है आपके आपसी संबंध खराब हों, आप पे कोई उंगली उठाए, तो वो चीज़ यहाँ पर शेयर करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगती ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं सही बताऊँ, अगर हाल तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, और अगर हुआ भी है मुझसे कुछ ऐसा, तो मैं आगे यही कोशिश रहेगी कि बस आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो और व्लॉग शेयर करूँ। अभी बात करते हैं कमेंट्स की। तो कल ना एक जो है मेरी सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ हो गई, उन्हें नाराज़गी में एक कमेंट मुझे किया, तो वो मतलब उनका सीधा सीधा यही था कि आप हमेशा जो निगेटिव कमेंट होते हैं उनको आप ले लेती हो, पॉजिटिव कमेंट को आप नहीं लेती हो, और हम आपके वीडियो इतने उससे देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर आप जो हो कभी भी पॉजिटिव कमेंट के बारे में बात नहीं करते हो। तो जी देखिए, पॉजिटिव कमेंट जो होते हैं वो मतलब कि ज़रूरी ही नहीं होता उनके बारे में बात करें। जब हम हर्ट होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तभी हम कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। और अभी जो है मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी है, आप लोग भी काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे होंगे, मैंने अपने चैनल पे कुछ चेंज लाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे जो है कुछ जो है आप में से ही कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम, हमारी छोटी बच्ची है, जब इतना वो है तो तुम दो दो चैनलों पे वीडियो क्यों बनाती हो। तो जी मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। छोटी से सिंपल सी बात में ये बात ख़त्म हो जाती है कि वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। कुछ जो है मेरे हस्बैंड के ऊपर आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ ही लोग कमेंट करते हैं कि आपके हस्बैंड क्या कुछ करते नहीं हैं,
वो सारा दिन घर पे ही रहते हैं, आपकी वीडियो ही बनाते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वीडियो ही तब बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं। जी हाँ, मेरी वीडियो ही तब बनती है जब वो घर पे होते हैं, या तो मैं सुबह के टाइम में वीडियो बनाती हूँ या फिर मैं शाम के टाइम में वीडियो बनाती हूँ जब वो आ जाते हैं। क्योंकि वो सुबह में 9 बजे चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे के करीब घर से निकल जाते हैं, शाम को 6:30 7 बजे के करीब जो है वो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन वीडियो बनाती हूँ, पूरा दिन एक दो क्लिप अगर मैंने रिकॉर्ड की मैं तब करती हूँ जब अनाया सो जाती है। अगर वो नहीं सो रही है वो है तो मैं बिल्कुल भी अपना व्लॉग नहीं बनाती हूँ, मैं शाम के लिए छोड़ देती हूँ कि जब वो आएंगे, जब वो अनाया को रखेंगे और थोड़ी मेरी हेल्प कर देंगे मेरी वीडियो बनाने में। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं सच में ये चीज़ बहुत उसके साथ में बोल रही हूँ कि जैसे हस्बैंड मुझे मिले हैं, जितने सपोर्टिव हस्बैंड मुझे मिले हैं, भगवान हर किसी को मिले। पर जब मेरी वजह से और मेरे काम की वजह से जब लोग उन पे उंगली उठाते हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। मैं दिल्ली रही हूँ, दिल्ली हम उन्हीं की वजह से रहे हैं। उनको जॉब करनी, वो जॉब कर रहे थे जब उन्होंने MSW किया हुआ है, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो MSW किया था तो उनकी जॉब लग गई थी दिल्ली में। तो हम जो है 10-11 साल दिल्ली में ही रहे हैं, 10 साल के करीब, क्योंकि 6 महीने की थी बाकी जब हम जो है दिल्ली चले गए थे। पर वो उनका मतलब वो ये इस चीज़ को बोलते थे कि मैं जॉब करना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो LLB भी की हुई है और LLM भी की हुई है, बार काउंसलिंग का जो होता है वो भी किया हुआ है। तो सारी चीज़ें की हुई है। फिर बात थी प्रैक्टिस की, सभी को ये चीज़ पता है कि एडवोकेट बनने के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो पिछले 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए और अभी भी जो है वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कुछ नहीं करते और बस आपकी वीडियो ही बनाते हैं, तो जी उनके काम, उनकी पढ़ाई को कि जितनी डेडिकेशन उनके अंदर है, अगर हर इंसान अपने अंदर ले आए ना तो वो कामयाब हो जाए। और ये जो इनका फील्ड है उसमें सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं। तो अच्छी खासे मतलब जहाँ पे ये मेरठ कचहरी में जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अच्छे एडवोकेट के साथ में अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर जो है जब इन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि प्रिया मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे ये चीज़ वो हुई थी कि अब तक इन्होंने हमें सब कुछ दिया है, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनको सपोर्ट करें। जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की, तब वो मुझे खुल करके सपोर्ट करते हैं। जब मुझे ये लगा कि अभी मेरे हस्बैंड को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तब मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड ही सब कुछ करे, वाइफ का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ करे। तो इसीलिए हम गांव में इसीलिए आए थे इनकी वकालत की वजह से, क्योंकि वकालत जो है वो अपने फील्ड से चलती है। इसीलिए हम गांव में आए थे और गांव में आकर के सब कुछ घर वर बनाना, सब कुछ रहना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। पर देखिए, जब हम डिफिकल्टी जो होती है उसको फेस करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे पता है ये मुश्किल से एक दो साल की परेशानी है जब तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब इनका अच्छा खा। और अभी भी अब आज के टाइम में जितना काम और जितना वो इनके पास आ रहा है, इतनी जल्दी की जल्दी जो कोई वकालत स्टार्ट करता है किसी के पास नहीं आता, जो कि इनके जो सीनियर वकील है वो भी बोलते हैं कि गौरव जितने कम टाइम में तुमने अपना एक अच्छा वो बना लिया है, इतना हर कोई नहीं कर सकता है। वो किस वजह से? वो इनकी मेहनत की वजह से। और अगर वो मेरे साथ में मेरी हेल्प करा देते हैं या मेरा किसी में भी वो करा देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा दिन बस घर पे ही रहते हैं या फिर वो मतलब इस तरीके के बहुत चीप चीप से कमेंट आते हैं,
जिनको सुन करके मुझे दुख होता है, बस और कुछ नहीं। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उनको भी बुरा नहीं बोल रही हूँ जो ये कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, वो अपनी सोच के अनुसार ही जो है वो बात करता है, सामने वाले को बोलता है। मैं कभी किसी इंसान को गलत नहीं बोलती हूँ, जो कमेंट कर रहे हैं मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि उनकी सोच ऐसी ही है तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते हैं। पर जब कोई मेरी वजह से, मेरे काम की वजह से मेरे हस्बैंड पे उंगली उठाते हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी दुख देती है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरी वजह से एक तो वो मुझे इतना मैं कितना बोलूँ, किस हद तक वो मुझे सपोर्ट करते हैं आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, जिस हद तक वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब हर एक अपना फर्ज, हर एक अपनी वो सब कुछ जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी जो है कुछ ही लोग उन पे जो है उंगली उठाते हैं कि बस तुम पूरा दिन घर पे ही रहते हो क्या और कुछ नहीं करते हो क्या, ये है फलाना है ढिमकाना है, तो थोड़ा सा दुख होता है। और मैंने ये जो वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं 2-3 बार इसको बना चुकी हूँ और अभी तो मैंने इससे पहले ही बनाई, मैंने वो डिलीट भी कर दी। एक दिन पहले वीडियो बनाया था, वो भी पड़ा हुआ है, वो भी मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे डर लगता है कि फिर उल्टे सीधे कमेंट आएंगे, फिर लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। इस वजह से जो है मैंने इस बात को ज़्यादा वो नहीं किया। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ इस पूरी बात के अंत में कि अगर जो भी आपको गलत सलत बोलना है, आप प्लीज़ मुझे बोल लिया करें, मेरे बच्चों को या पाखी को या फिर उसके पापा के बारे में, अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो उनके लिए कोई भी गलत कमेंट ना करें, मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए कोई गलत कमेंट ना करें, क्योंकि काम मैं करती हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ किसी की गाली खाना या किसी का कुछ भी लेना, मेरा काम है। तो आप प्लीज़ जो भी बुरा भला बोलना होता है आप लोगों को, आप मुझे बोल लिया करें। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, कोई उनको उल्टा सीधा बोले मेरी वजह से, मेरे काम की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाता है। मतलब कोई ना को जो भी लोग कमेंट करते हैं इस तरीके के, वो जानते भी नहीं हैं उनको, उन्होंने उनको कभी देखा भी नहीं है, उनके नेचर को जानते भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जिस वजह से आप लोग जो है इस तरीके की बातें कर देते हो उनके लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर हर एक लड़की को ऐसा हस्बैंड मिले, इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले, तो वो कभी ज़िंदगी में ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत कम से कम चीज़ों में भी वक्त काटा है, हमने बहुत बुरे से बुरा टाइम भी देखा है, वो भी हमने हंसते मुस्कुराते हुए काट दिया है। क्योंकि मैं एक चीज़ समझती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग है, उनका बॉन्ड अच्छा है, तो उनके लिए मैटर नहीं करती कुछ भी चीज़, मैटर नहीं करती कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ चाहिए या कुछ भी। मुझे सभी लोगों ने बोला था जब मैं मेरठ से गांव में आई थी कि तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम पछताओगी। मेरे लिए भी मुश्किल था एकदम से गाँव में शिफ्ट हो जाना, पर जब बात उनकी थी तो मैंने फिर कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कहा नहीं, जिस इंसान ने हमें इतना वो किया है, हमारी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया है, अब हमारा हक बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें और उनको टाइम दें। इसी वजह से उनका पूरा टाइम सिर्फ उनकी वकालत और उनकी पढ़ाई, इन दोनों चीज़ों को जाता है। वो पूरा दिन अपना कोर्ट में रहते हैं और रात में बहुत बहुत जब हम सो जाते हैं तब वो बहुत लेट तक पढ़ाई करते हैं। वो भी कुछ करना चाहते हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ के पीछे नहीं है, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और मुझे 100% ये भरोसा है कि वो बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, क्योंकि मेहनत और डेडिकेशन ही उनके अंदर इतनी ज़्यादा है। हर इंसान के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, अपने काम के प्रति, अपने उसके प्रति बहुत बहुत ज़्यादा उनका वो है। मैं सिर्फ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी
मुझे मैं ज़्यादा करती हूँ, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगी, मुझसे ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर फिर भी मैं आप लोगों से, चाहे मेरे कोई हेटर भी है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर पसंद नहीं है मेरे वीडियो या मैं, तो आप प्लीज़ मुझे बुरा बोल लिया करें, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी इस तरीके के कमेंट ना किया करें। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सोचिएगा जरूर कमेंट करने से पहले। चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड, यही बातचीत मुझे आप लोगों से करनी थी। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।